Hey guys, ये है मेरे पास Nothing Phone 2 एक तरफ है Infinix GT 20 Pro 5G स्मार्टफोन। दोनों फोन काफी सही फोन हैं और इस वीडियो में आपको दोनों फोन्स की कंपैरिजन बताएंगे, कैमरा से लेके UI हर चीज आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, आपको ये वीडियो सच पे बहुत ज्यादा पसंद में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको बात करूं इन दोनों फोन के UI की, तो उससे पहले देख लो गाइस, इन दोनों फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और ये इस टाइप से वर्क करता है। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलेगा दोनों ही फोन में, साथ में आपको दोनों ही फोन में डुअल स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। इसमें JBL साउंड बाय JBL मेंशन है, इसमें ऐसा डॉल्बी वगैरह तो मेंशन है नहीं, बट फिर भी इसमें साउंड अच्छा आता है। और बात करें साउंड की तो इस फोन में साउंड अच्छा आता है और इस फोन में भी साउंड अच्छा ही आता है, बस इसमें थोड़ा दबा साउंड आता है, इसमें थोड़ा खुला साउंड आता है, हालांकि दोनों का साउंड अच्छा है, लाउड है, क्लियर है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है और अभी ब्लैक वॉलपेपर की वजह से समझ नहीं आ रहा है, तो वो चार्जिंग और लॉक स्क्रीन में वर्क करता है। और साथ में यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं डायनेमिक आइलैंड, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। दोनों फोन्स में, दोनों फोन का जो UI है उसमें आपको नथिंग का UI सबसे वन ऑफ द बेस्ट लगेगा, क्योंकि इसका UI बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, सिंपल सा है। बट इसमें अच्छी बात है कि Infinix का फोन होने की वजह से भी इसमें एक भी ब्लोटवेयर या फिर ऐसा कुछ भी इस फोन में देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है। और साथ में ये जो फोन है ना, इसमें तो कोई भी ब्लोटवेयर नहीं होता है, स्टॉक एंड्रॉयड है, बट नथिंग का इसमें UI यूज है, तो नथिंग OS बहुत ज्यादा कमाल का है, बहुत अच्छा वर्क करता है। आप इसके होम बटन या फिर लॉक स्क्रीन में ही इसका वाईफाई वगैरह हर चीज डाल सकते हो, बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, वॉलपेपर कस्टमाइजेशन, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो UI में नथिंग ही बहुत अच्छा लगता है। और ये Infinix है तो इसका थोड़ा सा गेमिंग टाइप का UI है, तो गेमर लोग को ज्यादा पसंद में आएगा, ये चीज बोल सकते हो। तो ये मैंने क्लियरली कर दिया है। और अब इन दोनों फोन्स की बैटरी की बात करते हैं, तो दोनों फोन्स को मैंने यूज किया है, दोनों फोन में यूज कर रहा हूँ और दोनों को बैटरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों फोन अच्छा बैटरी बैकअप देते हैं। तो दोनों में 5000 mAh बैटरी है, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इसका अच्छा है, 5000 mAh बैटरी 19-20 का फर्क होगा, बट दोनों ऐसे ही बैकअप दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोनों फोन की नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो हाँ दोनों फोन का नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा है, VoNR जो है उसका सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज और बात करें, यहाँ पे जो चार्जिंग है वो किसका अच्छा है, तो मैं आपको बता दूं ये जो फोन है 1 घंटा 10-20 मिनट में चार्ज हो जाता है, ये भी फोन 1 घंटा 10-20 मिनट में चार्ज हो जाता है। तो 45W चार्जर इसमें इन द बॉक्स मिलता है और 45W सपोर्ट करता है, 45W ये भी सपोर्ट करता है, बस इसमें कोई भी चार्जर वगैरह देखने को नहीं मिलता। दोनों फोन 25,000 रुपए के आसपास के हैं, लाइक इसका जो प्राइस है वो 23-24 चलता रहता है, इसका प्राइस जो है 25,000 चलता है, कार्ड ऑफर लगा के 1-2,000 डिस्काउंट मिलता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह। तो ये चीज मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब यार यहाँ पे बात करते हैं दोनों फोन्स के गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो नो डाउट इसमें गेमिंग बहुत अच्छा होता है, तो करने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें वैसे मैंने बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं किया है, शुरू शुरू जब फोन लिया था तो गेमिंग किया, तो इसमें भी गेमिंग हो जाता है, बट इसमें अलग से डिस्प्ले चिप, साथ में एक अच्छा चिपसेट लगा हुआ है, पावरफुल चिपसेट, इसमें ज्यादा पावरफुल चिपसेट लगा हुआ है, तो नो डाउट इसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको इस फोन में, वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग वगैरह आपको करना है तो इसमें आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, तो ये मैं बोल सकता हूँ। और ये एक ऑलराउंडर फोन है, थोड़ा सा अच्छा इसमें लुक वगैरह है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बैक लाइट की, क्योंकि इसमें दोनों में आपको लाइट देखने को मिलता है, नथिंग इसको ग्लिफ लाइट बोलता है और इसको जो Infinix है वो क्या बोलता है, मेचा लूप लाइट बोलता है इसको, Infinix मेचा लूप लाइट। मेचा लूप लाइट क्या करता है, ये एक RGB लाइट है, मैं आपको जलाकर दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो RGB लाइट आपको देखता है देखने को मिलेगा। और इसमें भी वैसे ही रिंगटोन के साथ आप इसको अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हो, बस इतनी दूर में लाइट है तो अलग अलग आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे जला के दिखाता हूँ, देखो ऐसे ही आपको जलता हुआ दिखेगा, अलग अलग कस्टमाइजेशन वगैरह दिखते हैं, तो अपने हिसाब से जैसे नथिंग में है वैसे इसमें भी है। और लाइक इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है इस वाले फोन में कि नथिंग को जैसे हम लोग उल्टा करके रख देते हैं साइलेंट हो जाता है, या फिर Zomato वगैरह से कुछ ऑर्डर कर सकते हैं तो यहाँ पे शो करता है, और साथ में यहाँ पे टॉर्च के साथ जो है ये ऑन हो जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, टॉर्च के साथ ऑन नहीं होता, इसको गेम खेलते टाइम ऑन कर सकते हो, चार्जिंग के टाइम, ऑन करने के टाइम, नोटिफिकेशन, ये सब के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बट आप इसमें जो है म्यूजिक डाल सकते हो,
और नोटिफिकेशन के टाइम भी आप इसको ऑन कर सकते हो। ये चीज मेरे को लगा, मैसेज वगैरह जब आएगा तो लाइट जो है वो जलेगा। तो ये सब है, अच्छा मेरे को लगा। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है, इसमें एक्स्ट्रा ये मिलता है कि ये उबर वगैरह के साथ सिंक हो जाता है, ये चीज एक्स्ट्रा इसमें मिलता है। और इसमें आरजीबी नहीं है, वाइट है, टॉर्च का भी काम करता है, फोटो वगैरह खींचने में काम आता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और नोटिफिकेशन वगैरह तो इसमें भी दिया गया, तो ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। तो साथ में गाइस अब बात करते हैं दोनों फोन की कैमरा की। मैंने ऑलमोस्ट हर चीज बता दिया, हाँ डिस्प्ले की बात करते हैं, डिस्प्ले भूल गया था। तो जो डिस्प्ले है वो इसका थोड़ा सा आईफोन साइज का डिस्प्ले है, और इसका जो डिस्प्ले है वो 6.78 समथिंग है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, दोनों फोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेंगे। इसमें 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिलेगा, इसमें 120 हर्ट्ज मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा, ब्राइट है, बहुत अच्छा है। और अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, इसका डिस्प्ले देखो बहुत ज्यादा बेजल लेस है, मतलब एकदम एज टू एज डिस्प्ले है, बहुत कमाल का लगता है। बट इसमें आपको अच्छे खासे नॉच वगैरह देखने को मिलेंगे, तो ये है जिन बेजल वगैरह इसमें अच्छे खासे हैं। तो ये आईफोन टाइप का फील देता है, चौड़ा थोड़ा सा ग्रिप वगैरह भी आईफोन टाइप का है चौड़ा, और इसमें थोड़ा लंबा एंड्रॉइड फोन टाइप का है। बट इसका डिस्प्ले एज टू एज नॉच मस्त है, दोनों एमोलेड डिस्प्ले है, अच्छे कलर्स प्रोवाइड करते हैं, इंडोर आउटडोर बहुत अच्छा है, ब्राइटनेस भी बहुत अच्छा है, आउटडोर में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों फोन के डिस्प्ले में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो डिस्प्ले के लिए यार बिल्कुल टेंशन मत लो। ऊपर से मैं बोलूंगा इन्फिनिक्स का डिस्प्ले ज्यादा अच्छा और ज्यादा अच्छा कलर प्रोवाइड करता है, और ये थोड़ा सा पेड टाइप का लगता है, आईफोन टाइप का लगता है, बस इतना आप समझ सकते हो। तो ये मैं आपको क्लियरली कर रहा हूं। अब बात करते हैं दोनों फोन की कैमरा की। तो यहाँ पे फोटो सैंपल आप लोग देख सकते हो गाइस, और मैं आपको बताऊं जब इन दोनों फोन की मेन, लाइक इसका 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, इसका 108 मेन है, तो मेरे को नथिंग का पर्सनली ज्यादा अच्छा कलर टोन लगा। डिटेल्स होते हैं दोनों में ठीक है, बट बहुत ज्यादा जूम करने से इसका फोटो थोड़ा फट रहा था, बट इसका फोटो अच्छा था, और इसमें अच्छे आई केची फोटो, लाइक मतलब ह्यूमन बॉडी देखने से, स्क्रीन देखने से इस फोन में अच्छा लगता है। बट इस फोन में जब आप फोटो वोटो लेते हो तो बहुत अच्छा नहीं लगता, बट डिटेल वगैरह इसमें भी अच्छे खासे होते हैं। और हर फोन का ना एक अपना अपना कलर टोन होता है, वन प्लस का देख लो, सैमसंग का देख लो, नथिंग का देख लो, एप्पल का देख लो, तो इसका भी एक अपना कलर टोन है, इसने अपना ऑप्टिमाइज करके रखा है, उस टाइप का आपको कलर टोन मिलेगा। और बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन ये नहीं कर पाता है, लाइक अगर आप सेल्फी वगैरह भी लेते हो तो थोड़े से फेड फोटोज प्रोवाइड करता है, और बैक कैमरा से भी ह्यूमन बॉडी का फोटो लेते हो तो थोड़ा सा मजा नहीं आता है। लेकिन अगर आप लाइक पेड़ पौधे पहाड़ ये सब का फोटो लोगे ना, तो बहुत आई केची बूस्टेड फोटो लेता है, बहुत मस्त लगता है। ये चीज मैंने क्लियरली आपको बता दिया, दोनों फोन की कैमरा ठीक है, बट विनर की बात करें तो नथिंग है भाई कैमरा में, फोटोज के मामले में। बट यहाँ पे अगर वीडियो की बात करते हैं, फ्रंट कैमरा में भी यही विनर है। वीडियो की बात करें तो दोनों कैमरा से आप अच्छे खासे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, दोनों फोन से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, इस फोन से आप 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और 4K 30fps तक आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, इस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है। 4K वीडियो ये भी रिकॉर्ड करता है, अच्छी बात है, बट इसमें भी 4K वीडियो रिकॉर्ड होता है। एक्शन मोड दिया गया है इस फोन में आईफोन की तरह, बट इसमें ऐसा कोई भी एक्शन मोड नहीं है, तो ये चीज है प्रॉब्लम। तो दोनों फोन का वीडियो आप अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो, बट एक चीज मैं आपको बताऊं, लाइक अगर आप इनडोर वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो इंडोर वीडियो रिकॉर्ड करने से दोनों फोन सेम ही परफॉर्म करते हैं, थोड़े से सॉफ्ट वीडियो लेते हैं, बट आउटडोर में जो कलर्स वगैरह हैं वो अच्छे खासे आपको दोनों फोन में मिलेंगे। इसमें थोड़ा ओरिजिनल मिलता है, इसमें थोड़ा सा बूस्टेड कलर मिलता है वीडियो में। लेकिन अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो ये थोड़ा सा फेड वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और ये थोड़ा सा अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करता है, बट ये थोड़ा सा ना पास कर लेता है, थोड़ा जूम करके वीडियो लेता है, और ये जो है ना थोड़ा दूर तक का वीडियो ले लेता है फ्रंट कैमरा से, जैसे आईफोन में भी दूर तक का ब्लॉगिंग के लिए आप यूज करते हो ना वैसा है। तो इसमें बेनिफिट है कि आप अगर ब्लॉग भी कर रहे हो तो थोड़ा दूर तक का वीडियो पूरा बैकग्राउंड में जाता है, और इसमें लाइक इतनी डिस्टेंस अगर से मैं करूंगा ना रिकॉर्ड तो नथिंग थोड़ा सा जूम करके वीडियो लेता है। तो ये चीज नथिंग का मेरे को थोड़ा पसंद में नहीं आया, हमको ऐसा हाथ फैला के एकदम वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लाइक अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो आपकी कंडीशन में, तो ये दोनों फोन्स में लाइक अगर आप गेमर हो तो आपके लिए ये फोन है, अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए तो आप इसके तरफ जा सकते हो। बस ध्यान रखना इसमें कोई भी चार्जर वगैरह नहीं मिलेगा, बट इसमें चार्जर वगैरह इन द बॉक्स मिलेगा। इन्फिनिक्स ब्रांड जो है वो बहुत लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, नथिंग नया नया आया है तो दोनों का एक ही जैसा सीन है,
मार्केट में बहुत अच्छे ब्रांड ऑलरेडी हैं, वन प्लस सैमसंग जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी हैं, मोटरोला भी अभी बहुत बूम में है, तो मेरे ख्याल से दोनों ब्रांड थोड़ा सा लोगों के लिए सोचने लायक ब्रांड है, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते लोग, लेकिन फिर भी नथिंग को ज़्यादा पिक करेंगे। बट अगर आप गेमर हो, अगर आप एडिटिंग वगैरह के लिए फ़ोन ले रहे हो, तो इस फ़ोन की तरफ जाओ। वीडियो भी अच्छे रिकॉर्ड हो जाते हैं, नो डाउट। फोटोज़ बहुत अच्छे नहीं ले पाएगा ये फ़ोन, तो इसमें फोटोज़ में थोड़ा दिक्कत है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ हो सकता है ठीक हो जाए, बट वीडियो वगैरह अच्छा हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वीडियो अच्छे ही रिकॉर्ड हो जाते हैं। इस फोन में आपको हर चीज़ ऑलराउंडर अच्छा मिलेगा, और हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें अच्छे आते हैं। इसके सॉफ्टवेयर अपडेट आने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, फ़ोन वगैरह ख़राब नहीं होता है, और इसके सॉफ्टवेयर का मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर अपडेट को मैं एक पॉजिटिव जस्ट थिंक नहीं मानता। लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं तो फ़ोन ख़राब हो जाते हैं, फ़ोन पुराने लगने लगते हैं, फ़ोटोज़ जो है डिटेल्स उसकी कम हो जाती है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या ऐसा वाकई में होता है कि कोई फ़ोन पुराना होता है सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद उसके जो फ़ोटोज़ वगैरह है वो पहले से डल हो जाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो बस यही सब कुछ मेरे को, यही सब कुछ आपको बताना था दोनों फ़ोन्स के बारे में, और विनर तो दोनों हैं, अच्छे फ़ोन्स हैं, गेमिंग के लिए ये बेस्ट है, और डिस्प्ले वगैरह भी सब चीज़ अच्छा है, सिवाय फ़ोटोज़ लेते हो ना तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा, बाकी हर चीज़ भी ये फ़ोन अच्छा है, और ये फ़ोन एक ऑलराउंडर फ़ोन है, फ़ोटो वगैरह भी बहुत अच्छे ले लेता है, तो दोनों में, पर इसमें आप बहुत अच्छा गेमिंग नहीं कर सकते, इसमें ये एक डिसएडवांटेज है। लाइक अगर आप एक बहुत बड़े गेमर हो और मतलब एकदम अच्छा खासा गेमिंग के लिए ही फ़ोन ले रहे हो दिन भर, तो ये फ़ोन मत लेना, इसी फ़ोन को लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, होप आपको ये कंपेरिजन बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।